हॉलीवुड के डीसी एंड मार्वल यूनिवर्स को देख के आपका मन भी करता होगा कि यार काश अपने पास भी ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स होते जिसके अंदर हर एक कैरेक्टर पर स्पेशल मूवी होती, उन सभी कैरेक्टर्स का अलग अलग मूवीज के अंदर क्रॉसओवर होता, दमदार फाइट सीन्स होते, फिर हम भी इस तरह के यूनिवर्सेस के बारे में आपस में बात करते, अपना फेवरेट कैरेक्टर चूज करते। तो यारो देखो, मेरे पास इस बारे में दो न्यूज है, इसे आप न्यूज कह लो या फिर फैक्ट कह लो। पहला फैक्ट ये है कि अभी तक इंडियन सिनेमा में ऐसा कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है जिसे देखकर हम ये कह सके कि हाँ हमारे पास भी ये सिनेमैटिक यूनिवर्स है। लेकिन एक दूसरी बात ये है कि अब हमें ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा, अब इंडिया के पास भी खुद के सिनेमैटिक यूनिवर्स होंगे, वो भी सिर्फ सुपर हीरो जोनरा में नहीं बल्कि अलग अलग जोनराज में। हाँ, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये मार्वल या डीसी को टक्कर देंगे, उनसे तो हम अभी काफी पीछे हैं, बट एटलीस्ट वी हैव समथिंग। तो इंडिया में कौन कौन से सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकते हैं, कौन कौन से सिनेमैटिक यूनिवर्स फिलहाल इंडिया में है, किन के बारे में अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, ये सब मैं आपको कंप्लीट प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं कोई भी हवा में बातें नहीं करूंगा, जो कंफर्म है या फिर जिसके बारे में अपडेट आई है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक यूनिवर्स मैं आपको ऐसा भी बताऊंगा जिसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ऑफिशियल का मतलब किसी भी टाइप की अपडेट नहीं है, लेकिन मैं उसे पर्सनली देखना चाहता हूं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या फिर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे ऐसी वीडियोस मिलती रहें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अब बढ़ते हमारे पहले सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओर जो कि ऑलरेडी बन चुका है, और ये है कोप यूनिवर्स। फिलहाल इस यूनिवर्स के अंदर चार मूवीज है, सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा एंड सूर्यवंशी। चारों मूवीज को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है। सभी की सभी मूवीज मसाले एक्शन एंटरटेनर मूवी है। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 2011 में आई सिंघम से, उसके बाद आई थी सिंघम रिटर्न 2014 में। इस यूनिवर्स की थर्ड मूवी थी सिम्बा जो आई थी 2018 में, जिसके अंदर हमें सबसे पहले हिंट मिला था कि इंडिया में कोप यूनिवर्स बनने वाला है, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन या पता नहीं इस क्रेडिट सीन से पहले थे या फिर बाद में, लेकिन वहाँ इस यूनिवर्स के थर्ड मूवी के अंदर ही इसके तीसरे हीरो की अनाउंसमेंट हो गई थी जो है हमारे वीर सूर्यवंशी। सूर्यवंशी काफी सारे डिलेज के बाद फाइनली पिछले साल 5 नवंबर को रिलीज हुई थी। कोप यूनिवर्स की सभी मूवीज कमर्शियली काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं एंड लोगों को रोहित शेट्टी का ये यूनिवर्स देखने में मजा भी आ रहा है। इस यूनिवर्स का स्केल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एंड आने वाली मूवीज के अंदर ये तीनों धुरंधर हमें इंटरनेशनली कोई मिशन सॉल्व करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस यूनिवर्स की अगली मूवी होने वाली है सिंघम 3। लिस्ट में नंबर 2 पर है अली अब्बास जफर सुपर हीरो यूनिवर्स। आप में से शायद काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, बट डायरेक्टर अली अब्बास जफर अपना एक सुपर हीरो यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं, जिसकी पहली मूवी होगी कटरीना कैफ स्टारर सुपर सोल्जर। ये इंडिया की भी पहली फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी होगी। अली अब्बास का कहना है कि वो इसके साथ साथ 3 से 4 सुपर हीरो मूवीज को तैयार कर रहे हैं, और फिर ऐसा करके सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर काफी सारे सुपर हीरो तैयार हो जाएंगे, और फिर फाइनली हम इन सभी का क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्टर साहब इस यूनिवर्स को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से इन सुपर हीरो के बीच लिंक बनेगा, क्या स्टोरी होगी, ये तो जब मूवी रिलीज होगी तभी पता चलेगा। इस यूनिवर्स की पहली मूवी है सुपर सोल्जर, सेकंड मूवी होगी मिस्टर इंडिया जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट काफी पहले ही हो गई थी, थर्ड एक माइथोलॉजिकल मूवी होगी एंड फोर्थ मूवी आर्मी पर बेस्ड होगी। फिलहाल तो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई है, रिलीज होना तो दूर की बात बल्कि अभी तक इसकी शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो सुपर सोल्जर मूवी की शूटिंग इस साल के एंड में शुरू हो सकती है। नेक्स्ट, दिनेश विजन हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इस यूनिवर्स की अभी तक दो मूवीज रिलीज हो चुकी हैं, एक है 2018 में आई स्त्री और दूसरी है 2021 में आई रूही। अब इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो अगली मूवीज आने वाली है वो होगी वरुण धवन एंड कृति सैनन स्टारर भेड़िया। फिलहाल इस मूवी की रिलीज डेट है 25 नवंबर। अब इसमें एक फोर्थ मूवी की अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है जिसका नाम है मूझा। ये स्त्री मूवी का एक प्रीक्वल होगा और इसमें स्त्री मूवी के अंदर जो लड़की दिखाई गई है उस पर ये मूवी बेस्ड होगी, और आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे मूवीज बढ़ती जाएंगी वैसे ही इनकी स्टोरीज आपस में कनेक्ट होती चली जाएगी। प्रोड्यूसर का कहना है कि ये मूवीज फिलहाल बेबी स्टेप है, आगे आने वाले टाइम में इस यूनिवर्स को काफी बड़े स्केल पर बनाया जाएगा एंड उम्मीद करते हैं कि ये यूनिवर्स भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। अगला, हाउसफुल यूनिवर्स। इसे बेसिकली मैं एक यूनिवर्स तो नहीं कहूंगा, बट मेकर्स अब इसे एज ए यूनिवर्स डिफाइन कर रहे हैं। ये साजिद नडियाडवाला की एक काफी सक्सेसफुल कॉमेडी फ्रेंचाइज है जिसमें अभी तक टोटल 4 मूवीज रिलीज हो चुकी हैं, और इसका जो 5th पार्ट होगा उसके अंदर हमें इस फ्रेंचाइज के अंदर अभी तक जितने भी लीड एक्टर्स देखने को मिले हैं लाइक जॉन अब्राहम, जैकलिन फर्नांडिस, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, ये सब हमें 5th पार्ट में नजर आएंगे। अब इस फ्रेंचाइज के मेकर्स इसे एज ए यूनिवर्स कह रहे हैं तो एक बार के लिए मान लेते हैं। मेरे लिए तो ये बस एक फ्रेंचाइज ही है जो कि हर एक अपकमिंग पार्ट के साथ साथ घटिया होती चली जा रही है। यूनिवर्स बनाने की जगह मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि बस तुम एक अच्छी मूवी बना लो ताकि ये फ्रेंचाइज आने वाले पार्ट्स में थोड़ी बहुत सुधर जाए। अगला जो यूनिवर्स है उसके लिए पर्सनली मैं क्या मतलब यार, हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एंड मेरा इस यूनिवर्स के लिए एक्साइटेड होने का एक रीजन ये भी है कि ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जोनरा से बिलोंग करता है, और इस यूनिवर्स का नाम है स्पाई यूनिवर्स। कबीर, टाइगर एंड पठान, ये तीनों कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। फिलहाल इसके अंदर 3 मूवीज रिलीज हो चुकी है, 2012 में आई थी एक था टाइगर, 2017 में आई थी टाइगर जिंदा है एंड 2019 में आई थी वॉर। ये यूनिवर्स फिलहाल अभी बना नहीं है बट इस पर काम चल रहा है। अभी पहले पठान रिलीज होगी 25 जन को, फिर उसके बाद टाइगर 3
21 अप्रैल को, एंड इसके करीब 2 या 3 साल बाद जाकर जब भी वॉर 2 बनेगी तो उसके बाद इस यूनिवर्स की शुरुआत होगी। वैसे स्पाई यूनिवर्स पर एक काफी डिटेल वीडियो बन सकती है, स्पाई यूनिवर्स पर ही नहीं बल्कि हर एक यूनिवर्स पर। तो अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक बॉलीवुड सिनेमैटिक यूनिवर्स पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अब देखो, काफी सारे लोगों का कहना है कि जो ब्रह्मास्त्र मूवी है वो भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करती है, एंड आई थिंक सच में ऐसा है भी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मोशन पोस्टर की स्टार्टिंग में ये क्लियर दिखाया गया है कि ये मूवी अस्त्रावर्स यूनिवर्स से बिलोंग करती है। देखो, इस बारे में फिलहाल मेकर्स ने ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं किया है कि ये यूनिवर्स आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट भी रिलीज नहीं हुआ है, बट ये तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि ये भी एक यूनिवर्स है। अब ब्रह्मास्त्र एक फैंटेसी माइथोलॉजिकल मूवी है, तो हो सकता है कि आगे चल के इसके आने वाले पार्ट्स में हमें और भी काफी सारे अस्त्र देखने को मिले। अभी तक मैंने आपको जो भी ये 6 सिनेमैटिक यूनिवर्स बताए हैं ये सभी कंफर्म है, साथ ही मैंने इन सभी का प्रूफ आपको दिखाया है, बट इस लिस्ट के अंदर जो ये 7th एंड लास्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है ये ना ही तो किसी ने ऑफिशियल अनाउंस किया है और ना ही इस पर कोई रूमर्स है कि ये बनेगा, बट ये मेरी पर्सनल विश है कि ये यूनिवर्स बने, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी चाहते हो कि भावेश जोशी, मिनल मुरली एंड सूर्या इन तीनों को साथ लेकर एक सुपर हीरो यूनिवर्स बनाया जाए। अरे भाई कसम से बोलता हूँ, मजा आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। मिनल मुरली डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिस वजह से ऑडियंस से इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बट एक कड़वा सच ये भी है कि अगर ये मूवी भावेश जोशी एंड मर्द को दर्द नहीं होता, इन मूवीज की तरह अगर थिएटर्स में रिलीज होती तो इस मूवी का हाल भी इन दोनों की तरह होता। बट एनीवे, काश मेकर्स आगे चल के इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो इन 7 सिनेमैटिक यूनिवर्स में से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज लाइक कर देना, और उससे भी जरूरी काम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, कर लो यार अगर नहीं किया है तो प्लीज।